वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ आपका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपको HCF और LCM। ठीक है, तो ये दो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो को कंप्लीट ही देखना, क्योंकि मैं आपको का भी आपको सिखाने वाला हूँ, इसके बाद ये भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने भी नंबर का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो तो उनको इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, आपने देखा 180 लिखा हुआ है तो लास्ट वाले डिजिट आपने देखी जीरो, कभी भी जीरो और फाइव आ जाए ना तो उसे फाइव से ही डिवीज़न आप कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फाइव से ही मैं डिवीज़न कर देता हूँ इसको, मैं फाइव से डिवीज़न करूँगा इसको। ठीक है, 180 को फाइव से डिवाइड करोगे। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर जिसको क्वांटेंट बोला जाता है, ठीक है, तो वो नंबर यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो हम इसको नंबर लिख देते हैं, फाइव थ्री ज़ा कितना होता है, 15 होता है, फाइव थ्री ज़ा 15 होता है, बचेगा हमारे पास यहाँ पे थ्री, फाइव सिक्स ज़ा 30। ठीक है, 36 आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखोगे आप, ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप किससे डिवीज़न करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप कर सकते हो 2 से करो या 3 से करो। ठीक है, 2 से क्या रूल है, लास्ट वाले डिजिट 2 से डिवीज़न होनी चाहिए, एवन नंबर होने चाहिए, तो 2 से डिवीज़न हो जाएगा, तो मैं 2 से डिवीज़न करूँगा इसको, 2 से डिवीज़न करूँगा, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा। ठीक है, अब इसको हम तब तक डिवीज़न करते रहेंगे जब तक ये 2 से होता रहे, हमें लास्ट वाले डिजिट हमें देखनी है, लास्ट वाले डिजिट हमें देखनी है, तो हमें देखना है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे 18 आ गया, मतलब 8 है लास्ट में, तो मैं 2 से डिवीज़न कर सकता हूँ, तो 2 से डिवीज़न करूँगे तो 2 9 ज़ा पे जाएगा ये। ठीक है, 18 9 ज़ा 9 पे आता है 2 के टेबल में, अब ये 2 से डिवीज़न नहीं हो सकता, तो मुझे किससे डिवीज़न करना है, 3 से, तो 3 से मैं डिवीज़न करूँगा, 9 को 3 से डिवीज़न करूँगा, कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दोबारा से भी 3 से डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, दोबारा 3 से डिवीज़न हो जाएगा, तो 3 से कर दीजिए, 3 वन ज़ा 3, हमें ये तब तक करना पड़ता है जब तक हमारे पास नीचे 1 नहीं आ जाए, तो ये इसके फैक्टर बने, अभी प्राइम फैक्टर बने यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद 40 का करना है हमें इसी तरीके से, 40 का मुझे करना है, तो सबसे पहले आपने देखा 0 है तो 5 से डिवीज़न कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 5 से आप डिवीज़न करोगे, 5 8 ज़ा कितना होता है आपका, होता है 40। इसी तरीके से फिर मुझे आगे करना 5 से, तो ये डिवीज़न अब होगा नहीं, अब ये किससे होगा, 2 से डिवीज़न होगा, हम इसे 2 से डिवीज़न कर देते हैं, 2 से डिवीज़न करोगे आप इसको, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे, तो मैंने 4 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे 4 2 के टेबल में कितने पे आता है, दोबारा से 2 से डिवीज़न हो जाएगा, तो 2 पे आता है। अब इसके बाद फिर ये 2 से डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे, 2 से 2 ही डिवीज़न हो जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं 2 से ही डिवीज़न कर देते हैं। 2 से डिवीज़न करोगे, 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1, अब इसका भी हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, तो इसके भी फैक्टर कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आपको इसके करने हैं, इसके करोगे, यहाँ पे 0 और 5 तो है नहीं, तो इसलिए 5 से डिवीज़न नहीं होगा, तो हमें किससे डिवीज़न करना है, हमें देखना है 2 से। 2 से डिवीज़न देखने का तरीका क्या है, 2 से देखने का तरीका, लास्ट वाले डिजिट इवन होनी चाहिए, मतलब 2 से डिवीज़न होनी चाहिए, 2 की टेबल में आनी चाहिए, तो ये 2 से डिवीज़न हो जाएगा। 2 से डिवीज़न करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये दोबारा से 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाली जो डिजिट है वो किससे डिवीज़न हो रही है, 2 से डिवीज़न हो रही है यहाँ पे, तो मैं इसको 2 से डिवीज़न करूँगा आगे। ठीक है, 2 से डिवीज़न करूँगा इसको, 2 से डिवीज़न करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब ये 2 से डिवीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट आ गई यहाँ पे 1, मतलब ऑड नंबर आ गया, ये 2 से डिवीज़न नहीं हो सकता, तो हमें 2 से डिवीज़न करना भी नहीं है इसको। अब ये किससे डिवीज़न कर सकते हैं आप इसको, अब हम कर सकते हैं इसे 3 से, 3 का रूल कैसे देखते हैं, कि यहाँ पे दोनों डिजिट को, मतलब जितना भी नंबर होता है उसकी डिजिट को ऐड कर दो, 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 होता है, 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 3 से डिवीज़न हो सकता है ये, तो 3 से कर दो, 3 7 ज़ा, ये पहुँच गया 7 पे, अब ये 7 से डिवीज़न हो सकता है, 3 से होगा नहीं, ना 4 से, ना 5 से, 6 से, तो ये 7 से होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 7 वन ज़ा 7, तो इन सभी के फैक्टर ये निकल के आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ, हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, किसके प्राइम फैक्टर ऑफ, 180 के, 180 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखने, इस तरीके से आपको, इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ
40 के यहाँ पे लिखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 84 के हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो इन तीनों के प्राइम फैक्टर हम लाइन से लिख लेते हैं। अब यहाँ प्राइम फैक्टर क्या हो गया इसका, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से। और यहाँ पे प्राइम फैक्टर 40 के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से, ठीक है। 84 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 84 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये सभी के प्राइम फैक्टर में हमने लिख दिए यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ HCF। HCF आप कैसे निकालोगे इन तीनों नंबर का, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे तीनों का, आपको क्या करना है, तीनों में आपको वो सेम डिजिट देखनी है, और सेम डिजिट केवल वन टाइम लिखनी है आपको। आपने देखा 5, अगर 5 आप देख रहे हो तो इसमें 5 है, इसमें भी दूसरे नंबर में 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो आप लिख नहीं सकते यहाँ पे HCF के अंदर, समझ में आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 2 देखा, 2 यहाँ पे लिख, ठीक है, एक 2 लिया मैंने यहाँ से, यहाँ से एक 2 लिया और यहाँ से भी एक 2 है, तो उसको मैं कितने टाइम लिखूँगा, केवल वन टाइम लिखूँगा। केवल कितने टाइम लिखना है, वन टाइम लिखना आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई में। उसके बाद फिर मैं दोबारा से 2 देखूँगा यहाँ पे, 2 मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे भी मिल गया और एक 2 यहाँ पे भी मिल गया। अब यहाँ पे इसको भी कितने टाइम लिखना है आपको, वन टाइम लिखना है, ठीक है। सभी में देखने के बाद अगर वो नंबर मिलता है तो आप वन टाइम लिखोगे उसे, HCF के अंदर कॉमन फैक्टर कहते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन में 2 नहीं है अब, ठीक है, जब 2 एक ही एक लाइन में नहीं है तो दूसरी में देखने की ज़रूरत नहीं है, वो देखना ही नहीं है। अब आपने देखा 3 यहाँ पे भी है, 3 इस लाइन में नहीं है, तो छोड़ दो उसे, वो सभी में होना चाहिए वो नंबर। अगर यहाँ पे मैंने 7 देखा, 7 न्यू नंबर है, 7 इसमें है और किसी में 7 नहीं है, तो छोड़ दो। तो यही इसका HCF निकाल दिया आपने, कितना HCF आ गया, 2 2 4 आ गया, ये निकाल दिया आपने HCF, समझ में आ गया। ये होता HCF निकालना। अब बताता हूँ मैं आपको LCM कैसे निकालते हैं। LCM कैसे निकालना है आपको, LCM, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे क्या करना है, जो सभी में कॉमन होता है, मतलब सेम आता है नंबर, देखो जैसे यहाँ पे 2 2 और 2, अब यहाँ पे HCF में दो बार कॉमन आ गया, तो इसको तो सेम ऐसा ही उतार दो। अब जो कॉमन फैक्टर आपने लिख दिया है उसका यूज़ नहीं करना, बाकी जो बचा हुआ है उसका यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या था, HCF में आपको सभी में वो नंबर देखना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सभी में आता है वो उसको एक बार तो लिखोगे, उसके बाद उससे एक कम कर दीजिए। जैसे 3 का फैक्टर निकाला था आपने, 3 नंबर को फैक्टर निकाला था आपने, ठीक है, सबसे पहले हमने तीनों में देखा भाई कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसके बाद आपने 2 में देखना है, कितने में देखना है, 2 नंबर में। अब आपको 2 नंबर में फैक्टर देखना है। अब 2 नंबर कौन कौन से ले लीजिए, हम सबसे पहले 180 और 40 देख लेते हैं। हम 180 और 40 में यहाँ पे 5 और 5 आता है, इन दोनों को एक बार लिखना है, ठीक है, इन दोनों को क्या लिखना है, वन टाइम लिखना है आपको, तो मैं यहाँ पे वन टाइम लिख देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से फिर मुझे इसमें देखना है, और यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है ना, इसमें 3 है, इसमें 3 भी नहीं है। अब इन दोनों में तो देख लिया हमने, ठीक है, अब इन दोनों में देख लेता हूँ, फर्स्ट और लास्ट वाले में, इसी तरीके से। अब यहाँ पे 5 का काम तो कंप्लीट हो चुका है, इसका यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक बार और 3 है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, तो इसको आप कितने टाइम लिखोगे, केवल वन टाइम लिखोगे, ये मैंने लिख दिया वन टाइम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है और 3 नहीं है, समझ में आ गया, और 3 नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब यहाँ पे अब कोई भी नंबर मैचिंग नहीं होता, ठीक है, एक दूसरे से मैचिंग नहीं होता, तो आपको फिर क्या लास्ट में क्या देखना होता है, जो अब बचे हुए नंबर हैं, अब इस लाइन में कौन सा नंबर बचा हुआ है, यहाँ से बचा हुआ 3, ठीक है, और इस लाइन में से क्या बचा हुआ है, यहाँ से बचा हुआ है 2, और इस लाइन में से क्या बचा हुआ है, इस लाइन में से बचा हुआ 7। अब ये 3 नंबर बच चुके हैं हर एक लाइन में से, और इन तीनों नंबर को यहाँ पर उतार दीजिए, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका LCM निकल जाएगा। तो
कभी भी इतना बड़ा नंबर आपके पास आ जाए, इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, कभी भी इतना बड़ा नंबर आपके पास आ जाए सॉल्व नहीं हो, तो आप दो दो नंबर से सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, 2 2 4 4 5 कितना होता है 20, तो इतने नंबर तो आप कर सकते हो कि आसानी के साथ 20 यहाँ पे हो गया भाई, यहाँ पे 2 2 4 4 5 20, 23 कितना होता है आपका 60, तो इतना नंबर तो हमने कैलकुलेशन कर दिया है 60 में, आसानी 60 ये आ गया मल्टीप्लाई में। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 6 7 कितना होता है 42 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई करोगे भाई, जीरो वाला नंबर है जीरो को हटा दो, 6 रह गया, 6 2 कितना होता है 12 होता है, 2 आ गया, 1 कैरी हो गई यहाँ पे, 6 4 24 और 1 25, तो 25 ये आ गया, और जीरो लास्ट में लगा दीजिए, ये इसका एलसीएम निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आपको इस मेथड का यूज़ करना आ गया और उससे एलसीएम निकालना आ गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन आपको करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट में बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।